तो गाइस फाइनली न्यू वीडियो आ गई है। और गाइस मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मैं 7 दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था और वो 7 दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा घटिया गए, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस दिल से सॉरी। तो इस वीडियो को एंजॉय करो, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा मैनेजर ल्यू से बोलता है कि जो सिल्वर किलर वीर पे अटैक कर रहा है वो कियानसु है, मैं उसे अभी रोक दूंगा। इसके बाद मैनेजर ल्यू शेखर गुलाटी से बोलता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, जब तक वो जीत ना जाए जब तक वो लड़ती रहेगी। इसके बाद शेखर गुलाटी मैनेजर ल्यू से बोलता है कि कियानसु सिल्वर किलर चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वीर को चलाना आता है क्या? इसके बाद मैनेजर ल्यू बोलता है कि ये सही मौका है ये देखने के लिए कि वीर इस एड के लिए मेन कैरेक्टर बनने के लायक है या नहीं। इसके बाद हम कियानसु को देखते हैं जो वीर से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि सेट का मेन कैरेक्टर कौन बनने के लायक है। इसके बाद हम कियानसु को देखते हैं जो वीर पे अटैक कर रही होती है, तो वीर गुस्से में बोलता है कि मैं परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो, तुमने पहले मुझे नाराज किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वीर अपनी सिल्वर किलर की तलवार से उसकी तलवार को डॉज करने लगता है। इसके बाद वीर अपनी तलवार से कियानसु की तलवार तोड़ देता है, जिसके बाद कियानसु बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वीर कियानसु पे अटैक कर देता है, लेकिन कियानसु किस तरह से बच जाती है। इसके बाद वीर कियानसु को एक किक करता है, जिसके बाद कियानसु उड़ते हुए एक दीवार में जाकर लगती है। इसके बाद कियानसु बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं कि आखिर ये वीर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर कियानसु के गले पे तलवार रख देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हार गई अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कियानसु बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद शेखर गुलाटी बोलता है क्या कियानसु को वीर ने इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद मैनेजर ल्यू बोलता है कि हाँ भाई उसको हरा दिया, वीर सच में इसका हकदार है। इसके बाद कियानसु सिल्वर किलर से बाहर आ जाती है। अब इसे देखकर वीर बोलता है क्या ये एक लड़की है और ये टॉप 10 वॉरियर में से टॉप 5 पर आती है और इसका नाम कियानसु है। इसके बाद कियानसु वीर के पास में आकर बोलती है क्या तुम पक्का एक अनइवॉल्व हो, तो वीर बोलता है कि हाँ मैं एक अनइवॉल्व हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो कियानसु, और अभी अभी जो भी किया मैंने उसके लिए सॉरी। इसके बाद कियानसु वीर से बोलते हैं कि तुमने इतना अच्छा सिल्वर किलर चलाना कहाँ से सीखा, तो वीर बोलते हैं कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है यार। इसके बाद कियानसु बोलते हैं क्या सच में तुमने प्रैक्टिस की है, तो वीर बोलते हैं कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की है। और वीर मन में सोचता है कि इसकी बैकग्राउंड फैमिली अवनी शेरगिल जितनी पावरफुल है, मैं इसके साथ पंगा नहीं ले सकता। इसके बाद कियानसु वहां से जाते हुए वीर से बोलते हैं कि ठीक है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम इस एड के मेन कैरेक्टर बनने के लायक हो, मैं आशा करती हूँ कि तुम इस एड में अच्छा करोगे। इसके बाद वीर बोलता है कि किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये वाली एड मैं इसके साथ में करने वाला हूँ और इसलिए ये मुझ पे अटैक कर रही थी क्योंकि ये मेन कैरेक्टर बनना चाहती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एड बनने वाली होती है। तो एक बंदा बोलता है कि जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ये वाली एड शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम मैनेजर ल्यू को देखते हैं जो वीर को सिल्वर किलर देते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम चाहते थे कि इसमें वेपन सिस्टम हो तो हमने इसमें ऐड कर दिया और ये तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और इसकी साउंड भी कम कर दी है। तो वीर बोलता है कि मैं इसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं इसे संभाल कर रखूंगा। इसके बाद मैनेजर ल्यू वीर से बोलता है कि हमारी इन दिनों में शूटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है और तुम्हारी और कियानसु की जोड़ी बहुत ही ज्यादा मेल खा रही है, इसलिए हम खुश होकर तुम दोनों को एक एक सिल्वर किलर दे रहे हैं। इसके बाद मैनेजर ल्यू वीर को 2 सिल्वर किलर दिखाते हुए बोलता है कि इसमें से नीला वाला तुम्हारा है और लाल वाला कियानसु का है, ये हमने स्पेशली तुम दोनों के लिए डिजाइन किया है। इसके बाद वीर हंसते हुए मैनेजर ल्यू से बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो और थैंक यू इस सिल्वर किलर के लिए। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि अगर ये वायरफ्रेम एक जोड़ी के लिए है और इसको अगर रूही ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेगी और ये शूटिंग बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हो रही है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए रूही पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। इसके बाद कियानसु बोलते है कि मुझे ये वाला सिल्वर किलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मुझे ये सिल्वर किलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया और तुम्हारी टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा सुधार हो रहा है। तो मैनेजर ल्यू बोलता है कि हाँ हम अपनी टेक्नोलॉजी में हर दिन सुधार करते हैं, लेकिन ये वाला सिल्वर किलर अभी भी सिल्वर का ही है। इसके बाद कियानसु वीर से बोलते है कि जब ये वाली शूटिंग खत्म हो जाएगी तो हम एक मैच फिर से लड़ेंगे, तो वीर बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वीर मन में सोचता है कि ये लड़की पागल हो गई है, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद वहां पर एक बंदा आता है और वो इन दोनों से बोलता है कि शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ, तो वीर बोलता है कि चलो चलते हैं और कियानसु बोलती है कि आप चलो हम आ रहे हैं। इसके बाद वीर और कियानसु वहां से
चली जाती है। इसके बाद मैनेजर ल्यू सोचता है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेल खाती है और जब ये एड रिलीज होगी उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उस दिन कुछ खास होने वाला है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें एक सितंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वो एड बन गई होती है और सभी लोग उस एड को देख रहे होते हैं। उस एड की स्टार्टिंग में हम सिल्वर किलर को देखते हैं जो उन सभी का वेलकम करता है और वो उन सभी को बोलता है कि ये नया प्रोडक्ट है और ये तुम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इस एड को ध्यान से देखना। इसके बाद हम उस एड में देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे ज्ञानसु बैठकर अपनी किताब पढ़ रही होती है, तभी उसे देखकर काफी सारे बंदे बात करने लगते हैं कि आखिर इस एड का ये मेन करेक्टर नहीं है तो आखिर इसका मेन करेक्टर कौन है और मेन करेक्टर तो ज्ञानसु को ही बनना चाहिए था। इसके बाद ज्ञानसु को वहां पर कुछ गलत लगने लगता है तब वो बोलती है कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है, तभी उसकी तरफ एक ब्लैक कलर की परछाई आने लगती है तो उसे देखकर ज्ञानसु बोलती है क्या ये सूरा है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम उस सूरा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है और उसके सामने जो कुछ भी आ रहा होता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम ज्ञानसु और काफी सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो उन सूरा को देखकर वहां से डर के भाग रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अभी हमें नहीं मरना है, अभी हम बहुत ही ज्यादा जवान है और हमें गुचू गुचू भी करना है। सॉरी गाइस, ये नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं कि अभी हमें नहीं मरना, अभी हम बहुत ही ज्यादा जवान है, हमें कोई बचाओ। इसके बाद ज्ञानसु का पैर एक पत्थर में अटक जाता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और गाइस अगर ये नीचे गिरती और इसका लहंगा ऊपर हो जाता तो मजा ही आ जाता। इसके बाद वो सूरा ज्ञानसु के पास में आ जाता है और उस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी तलवार ऊपर उठाकर ज्ञानसु पे अटैक करने लगता है, तभी वहां पर एक बॉक्स आता है और उसे खोलते हुए एक बंदा बोलता है कि लड़की पर हमला कर रही हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम सूरा लोग तो बहुत ज्यादा कमीने हो। और हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वीर होता है। इसके बाद उस बॉक्स में से काफी सारा लिक्विड बाहर आकर वीर के साथ में चिपकने लगता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।